देखिए इस एनसीआर का एक सबसे बड़ा इंटर स्टेट शराब का तस्कर रमेश प्रधान, जिसके बारे में सबको पता है, ये एक हिस्ट्री सीटर भी है ब्रह्मपुरी का और एक शातिर शराब माफिया है। 25,000 का इनाम इसके ऊपर था। इसको पकड़ने में ब्रह्मपुरी पुलिस को सफलता मिली है। काफ़ी प्रयास के बाद ये गैंग इसके पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इसके दो जो और साथी जो रिवार्डेड क्रिमिनल्स हैं, जिनके ऊपर 15,000 का इनाम है, वो भी इसके साथ गिरफ्तार हुए हैं। और इसके टीम में काम करने वाले कुल 6 लोग इसके साथ गिरफ्तार हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा तस्कर है जिसने जब भी पुलिस पार्टी और अफसारी टीम के द्वारा रेड हुए उस क्षेत्र में जहाँ पे ये जहाँ से शराब का कारोबार करता था, वहाँ पे इसने पुलिस पर और शराब और आबकारी विभाग पर इसने अटैक किया है। और बहुत सारे मुकदमे हैं, जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सबके कुछ ना कुछ आपराधिक इतिहास हैं। इस रमेश प्रधान पे अकेले 16 से 17 मुकदमे हैं, जिसमें सरकारी टीम पे हमला करने का मुकदमा भी है और प्लस 6.5 के मुकदमे भी हैं। तो इस तरीके से ये मेरठ ब्रह्मपुरी टीम को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें इन लोगों ने इस पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े शराब तस्कर रमेश प्रधान को गिरफ्तार किया है और उसके साथ 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसके कब्जे से कुछ नशीली पदार्थ भी बरामद हुए हैं, चूँकि जिस मंगतपुरम एरिया से ये कारोबार करता था वहाँ पर वहाँ से नशीली पदार्थों का भी कारोबार ये कराता था, कंडक्टर आता था। तो उसके पोजीशन से नारकोटिक सब्सटेंस भी बरामद हुए हैं। जिस गाड़ी से कारोबार करता था वो गाड़ी भी बरामद हुआ है और कुछ मात्रा में शराब बरामद हुए हैं। मैं आपको बता दूँ कि जब भी इसके यहाँ रेड्स हुई हैं तो लगभग 200 पेटियाँ बरामद हुई हैं, लेकिन बड़ी मुशक्कत के बाद उसकी बरामद की संभव की जा सकी थी पहले समय में। लेकिन इस बार पुलिस को बड़ी अच्छी सफलता मिली है और ये रमेश प्रधान जो नोटेड माफिया है शराब का, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। ये कब से फरार चला था? देखिए ये अभी हाल में जब एक लगभग 2 महीना पहले एक अबकारी टीम के ऊपर हमला हुआ था, उस समय से फरार चल रहा था। उसके बाद अभी उसके तुरंत कुछ दिन के बाद जब हम लोगों ने दोबारा इसके यहाँ रेड किया था, उसमें 500 पेटी शराब बरामद हुई थी लगभग, उस समय से उस केस में भी फरार चल रहा था। तो इस तरह से दो तीन, एक टीपी नगर में जो कांस्टेबल के साथ मारपीट हुई थी जब टीपी नगर की टीम द्वारा दबिश दी गई थी, उसमें फरार चल रहा था। तो इस प्रकार से ये लगभग मैं एक साल से फरार चल रहा था। और बाकी पुलिस को तो पहले से भी ऐसे माफिया के पीछे तो हम लोग लगे हैं। एसपीसीटी साहब, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे माफियाओं के साथ पुलिस की संलिप्तता नहीं पाई गई है। थाना पुलिस पे गंभीर आरोप लगे हुए हैं कि कुछ पुलिसकर्मी हैं उससे जुड़े हुए हैं। देखिए इसकी जांच हम करेंगे, अगर हमारे लोकल लेवल पे किस तरह की संलिप्तता इसकी रही है और कोई भी अगर उसके साथ जुड़ा रहा है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।